డెక్కన్ పార్క్ ను ప్రారంభించిన అనంతరం మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं. अहमदाबाद से भी कई गुना ज्यादा. अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट की दर्जे की और कोई सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर दर्जे की दावा कर सकती है तो जरूर उसमें शहर हैदराबाद का नाम अव्वल दर्जे पे होना है. पर ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, यूनेस्को की तरफ से जो प्रोसीजर चलती है उसमें राज्य सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन भेजना होता है. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको अप्रूव करते हुए यूनेस्को को भेजना होता है. फिर आके वो लोग इंस्पेक्ट करके, एक लंबी प्रोसीजर है. बट हमारी तरफ से मैं वादा करता हूं कि हमारी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जिस हद तक हो सका, दत्तात्रेय साहब भी यहां पे हैं, मरकजी हुकूमत जो है उनकी भी पूरी तरह से उनकी भी सपोर्ट लेते हुए दर्जा लाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे. बट उससे पहले जो यहां 108 एकड़ की जमीन है, यहां जो टूम्स है, अब डेक्कन पार्क है, यहां से एक वॉकिंग ट्रेल भी गोलकोंडा तक जो जाती है, इसमें भी थोड़ा और इंप्रूवमेंट लाके पहले यहां इस साइट को भी थोड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना के अच्छा काम हो सकता है. वो भी जरूर QSQDA की तरफ से, कुल्लू कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वो काम भी सरकार जरूर करेंगी. इसके अलावा भी अपने पास जितने भी अच्छे मॉन्यूमेंट है, चाहे वो अपनी हाईकोर्ट हो, चाहे चार मीनार हो, चाहे मक्का मस्जिद हो, गोलकोंडा हो या टूम्स हो, इन सब की हिफाजत करते हुए QSQDA को भी और मजबूत बनाते हुए हैदराबाद में जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है इनको भी आगे जाके और भी कोशिश करके और भी फंड्स देके, फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी लाके और भी इसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने की कोशिश तेलंगाना की हुकूमत जरूर करेगी, ये मैं वादा करता हूं आपसे. और एक बात भी इसी मौके पर और एक बात भी मैं कहना चाहता हूं, आज शहर हैदराबाद में टूरिस्टों की संख्या बढ़ते जा रही है, हर साल टूरिस्टों की नंबर बढ़ते जा रही है. तो स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हमने भी बहुत सारे कोशिशें की और भी कर रहे हैं टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने की, और सेफ सिटी भी हम लोग बनाने के चक्कर में हैं, बनाने के प्रयास में हैं. और बहुत सारे कोशिश हमारे CM साहब के सदारत में बहुत सारे कोशिश भी चल रहे हैं. तो मैं आपको वादा करता हूं आप सबको कि हैदराबाद को ना सिर्फ हम लोग एक सेफ स्मार्ट जो लिवेबल सिटी करके पिछले 3 साल से जो मर्सर की रिपोर्ट से पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 लिवेबल सिटी करके जो दर्जा हैदराबाद को है इसको बरकरार भी रखना है और इसको और भी मजबूत करना है, यही हमारी कोशिश रहेगी. और यूनेस्को वर्ल्ड सिटी की दर्जा जो अभी असद भाई ने रिक्वेस्ट किया था उसके तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरा कोशिश करेंगे ये वादा करते हुए. और इसमें मैं दत्तात्रेय साहब का भी मैं मदद चाहता हूं, केंद्र सरकार की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से. और मैं उम्मीद भी करता हूं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, मरकजी हुकूमत है, इसमें तेलंगाना रियासत का, तेलंगाना सरकार का बिल्कुल मदद देंगी, ये भी मैं उम्मीद करते हुए आप सबको मैं मुबारकबाद देते हुए, खास यहां जितने भी कॉलोनी वाले बैठे हैं मैं उन सबको भी वादा करता हूं कि आपको कल से ये मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए पार्क खुला रहेगा. और हमारे तरफ से, GHMC की तरफ से, QSQDA की तरफ से पार्क मेंटेनेंस और फर्स्ट वॉकर हमारे प्रभाकर साहब हैं, तो और भी अच्छा है. चलो हमारे MLC साहब आगे रहकर सबको लेके चलेंगे. तो मैं फिर से अफसरों को और यहां के लोकल रेसिडेंट्स को सबको मैं मुबारकबाद देता हूं. जय तेलंगाना. मैं नाउ रिक्वेस्ट और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री महमद अली साहब टू डिलीवर हिज मैसेज.